वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। देखिए आज के सेशन हमारा PASA जो P41 कोड है जिसका उस बारे में चर्चा करेंगे। अब PASA से रिलेटेड क्या है इसके हम प्रोसेस की बात करेंगे कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कितना टाइम लग जाएगा ज्वाइनिंग में, या उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको PA मिलेगी, फिर SA मिलेगी, PASA एक साथ मिलती है क्या, इसका मतलब होल समरी क्या है, होल प्रोसेस क्या है, और PASA एक ही है या अलग अलग ही क्या है। बाकी तो देखो PASA से कोई भी रिलेटेड वीडियो अगर आपको लगता है जिससे कोई भी डाउट होता है तो PASA के इतने सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, चाहे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं PASA सैलरी से रिलेटेड, सारी चीजों का हर डाउट क्लियर कर रखा है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर कोई चीज लगती है आपको तो आए, हम लोग हैं सारे सब लोग आपके साथ, जो भी बात चीज बताएंगे आप वो चीज के लिए हम आपको कमेंट में उस चीज का आंसर देंगे, और ज्यादा चीज लगती है या लगता है कि नहीं बहुत सारे लोगों को पता चलना चाहिए तो हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो के पर्पज से सारे लोगों को पता चल जाता है, बस यही पर्पज रहता है हम लोगों का वीडियो बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं, देखिए SSC 2018 वालों के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो P41 करके कोड है, वैसे P47 करके आता था, ठीक है। जब आता गया था जितनी वो होती है DC की उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से उस हिसाब से कोड वो लोग ले लेते हैं। तो P41 की बात करते हैं यानी इंडिया ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्या है इंडिया ऑफ पोस्ट का, कैसे क्या रिजल्ट आता है, तो जैसे कि आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे भाई, तो फाइनल रिजल्ट के बाद क्या आता है कि आपको उसमें केवल ये लिख के आएगा यू आर सिलेक्टेड P41, मतलब कि आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, रैंक लिखी होगी, और इसके बाद लिखा होगा P41, आगे जो आपको LDC मिली होगी या पोस्ट मिली होगी वो लिखते हैं कि यू सिलेक्टेड इन पोस्ट, ऐसे करके आपके आगे लिखा होगा P41। अब P41 लिख के आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब मैं बता देता हूँ कि इसके बाद क्या प्रोसेस है। इसके बाद SSC का काम सारा खत्म हो जाता है। SSC अपने सारे डोजियर्स, सारे जो आपके DV के समय जब DV हो रहे होंगे, सारे जो एक सेट लेके गए होंगे वो सारा पूरा एक लिखा होता है, सारा एक फाइल होती है पूरी, उसकी दो कॉपियां होती है, एक कॉपी आपकी पहुंच जाती है डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, इंडिया पोस्ट मिल गया, डिपार्टमेंट को पहुंच गई। अब क्या होता है कि इसके बाद इंडिया पोस्ट का काम स्टार्ट हो जाता है, SSC का काम खत्म हो जाता है, ये बात हो गई। अब इंडिया पोस्ट जो कि काम अब कहीं कहीं स्लो होता है, कहीं कहीं नहीं होता, अभी तो मान लो इंडिया पोस्ट ऑल इंडिया लेवल की बात करते हैं, तो P41 यहां पर भी आपको PA और SA अलग अलग नहीं हो, केवल लिख के आएगा P41, यानी कि PA और SA अभी भी इसमें आप दोनों हो, किसी में भी आपकी जॉब लग सकती है, PA में भी और SA में भी। अब इसके बाद इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में आपको लगभग 7 दिन बाद या विद इन 15 डेज आएगा कि आपका स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म आएगा। पहली बात, अगर जैसे ही आपका रिजल्ट हो जाएगा तो क्या करते हैं, जैसे जैसे जो जो LDC आपको लोग मिल जाती हैं, या P41 में क्या होता है कि इंडिया पोस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 4000 वैकेंसी हैं, तो क्या होता है एक ग्रुप बन जाता है, आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, जिससे क्या हो जाता है डिटेल आपस में पता चलती रहती है और कब क्या क्या चीजें हुई। अगर नहीं होती तो हम लोग अपने पर्पस पे एक वीडियो वो बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग बताइए कमेंट सकते हैं कि अगर मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूं तो हम लोग ऐड करवा देंगे किसी भी ग्रुप में जो इंडिया पोस्ट का बना होगा आप लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का। तो ये बात हो गई। इसके बाद क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर्म आएगा स्टेट लेवल का, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आएगा, व्हाट्स आप ओपन करेंगे तो व्हाट्स न्यू करके आएगा नीचे, या नोटिस में आता है वहां पर प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, प्रेफरेंस फॉर्म में सारे स्टेट होंगे, आप उसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट के बाद इसको बाय पोस्ट भेजना होता है और मेल भी करनी होती है, उसमें लिखा होता है नीचे कि इस साइट पे मेल कर दीजिए, और मेल करने के बाद ही आपको वहां पर भेजना भी होता है, न्यू दिल्ली में भेजना होता है, बाय पोस्ट भी भेजना होता है। तो आप अपना प्रेफरेंस दे देंगे, हमको UP चाहिए, पहले की राजस्थान चाहिए या दिल्ली चाहिए, इस तरीके का प्रेफरेंस फॉर्म भर देंगे, प्रेफरेंस फॉर्म आप मेल भी कर देंगे और इसके बाद आप बाय पोस्ट भी कर देंगे, पहुंच गया। अब इसमें अब उसके प्रोसेस में टाइम लगता है, फिर इसके बाद रिजल्ट लगता है, लगभग 1 महीने विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट निकलेगा कि आपको प्रेफरेंस में जो दिए हैं, अगर आप प्रेफरेंस देना भूल जाते हैं मेरे भाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, शायद दूसरा स्टेट मिलेगा, नियर बाय स्टेट मिलेगा, तो क्या फायदा है ना। तो इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ऐड बने रहिएगा ताकि पता चले कि कब क्या चीजें नोटिस आ रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, जिससे आप लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे आपस में, तो फिर PDF शेयर होती रहती है, जैसे कुछ आएगा बाकी हम लोग भी बताते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका प्रेफरेंस फॉर्म आया,
प्रेफरेंस फॉर्म भर के भेज दिया, इसके बाद रिजल्ट आएगा कि आपको ये स्टेट मिल गया है। इसके बाद फिर क्या हो जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ जाते हैं, आपको राजस्थान मिला होगा, पहले तो ऑल इंडिया लेवल पे होंगे सारे उसमें स्टूडेंट, फिर इसके बाद जो राजस्थान के, राजस्थान के अलग बना लेते हैं, यूपी के हैं यूपी के अलग बना देते हैं, ठीक है हरियाणा के हैं हरियाणा के अलग बना देते हैं, साउथ के हैं तमिलनाडु के हैं तमिलनाडु के अपना अलग बना लेते हैं, राजस्थान झारखंड ऐसे सबके सारे अलग अलग वो अपने व्हाट्सएप बना लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपको यूपी मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस में। अब इसके बाद रिजल्ट का आ जाता है, फिर इसके बाद क्या हो जाए कि आपका कंसर्न जो स्टेट मिला है आपको उसकी वेबसाइट पे फिर आपको चेक करना है, आपको इंडिया पोस्ट की मेन वेबसाइट पे नहीं चेक करना है, आपको जैसे यूपी मिलता है यूपी की जो इंडिया पोस्ट की पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है उस पे चेक करना होगा, झारखंड मिला तो झारखंड, हरियाणा मिला तो हरियाणा, पंजाब मिला तो पंजाब, तो उसमें क्या करना है। फिर इसके बाद आपको सिटी प्रेफरेंस आएगी, अभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ मेरे भाई, फिर आएगी सिटी प्रेफरेंस। सिटी प्रेफरेंस में क्या होता है, इसमें पी और एस अलग अलग हो जाते हैं। सिटी प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने यूपी लिया है तो यूपी में कानपुर आगरा लखनऊ, ठीक है अब इसमें ही वैरायटी भी होती है, लखनऊ में सीओ चाहिए, लखनऊ में पीए चाहिए या लखनऊ में एसए चाहिए, इस टाइप के प्रोसेस बनते हैं। जहां जहां ऐसे होता है, ऐसे हर जगह नहीं होता मेरे भाई, पोस्टल असिस्टेंट हर जगह होते हैं लेकिन ऐसे हर जगह नहीं होती है, सीओ भी जो सर्कल ऑफिस होते हैं वो भी हर जगह नहीं होते हैं, एक ही जगह होता है स्टेट में, है ना, रीजनल ऑफिस तीन ही चार होते हैं, तो उस तरीके से उसमें बन के आएगा, सीओ आरओ चाहिए कि पीए चाहिए कि एसए चाहिए। मुझे कानपुर में पीए आरओ भी है, ठीक है, और सर्कल ऑफिस तो नहीं है, रीजनल ऑफिस भी है और पीए पोस्टल असिस्टेंट की भी है और असॉर्टिंग असिस्टेंट की भी है। तो यहां पर आप फिर अपनी प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे कि मुझे कानपुर चाहिए ऊपर, कि मुझे लखनऊ चाहिए, मुझे आगरा चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज हो गई, या लखनऊ चाहिए, तो ये जब प्रोसेस आप प्रेफरेंस फॉर्म आएगा आपकी वेबसाइट पे आएगा, जो भी स्टेट की वेबसाइट होगी उस पर आएगा, आप इसके बाद उसको भी मेल करेंगे एज इट इज, जैसे स्टेट प्रेफरेंस में किया था वैसे इसको भरेंगे। भरने के बाद आप जैसे भर लिया आपने, इसको मेल भी कर देंगे, और पहले तो या तो मेल करना जरूरी है या तो फिर बाय पोस्ट कर देंगे, लेकिन मैं कहता हूं दोनों कर दीजिएगा, रिस्क नहीं लेने का, सीधी सी बात है। तो बाय पोस्ट भी कर दिया, पहुंच गया, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपको सिटी प्रेफरेंस मिल जाएगा। अब सिटी प्रेफरेंस आपको जैसे कोई मिल गया, जैसे मान लिया बाय चांस आपको कानपुर मिल गया, ठीक है, कानपुर मिल गया या लखनऊ मिल गया, लखनऊ में सीओ मिल गया, जो भी मिल गया आपको, अब यहां पर चेक करना है, पीए भरनी थी आपने पीए भरी होगी, ऐसे भरनी थी आपको ऐसे भरनी थी, जैसे ही आपको पीए से अलग अलग, आपको क्योंकि पीए अलग है और ऐसे अलग है, पोस्ट में अलग अलग है, तो जैसे ही आपको कानपुर मिला फिर इसके बाद आपको क्या होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म पहुंचेगा आपके सर, मतलब आपके जो सिटी प्रेफरेंस आपने भरी होगी आपकी सिटी से, आपकी डिवीजन से, डिविजन्स होती हैं, तो डिवीजन से आपको आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म पहुंचेगा, वहां पर लिख के आएगा कि ये भर के लाना है और इस टाइम आपको आना है। तो जैसे ही आप लेके जाएंगे वहां पर वो प्रोसेस पूरा चेक करेंगे, जैसे कानपुर मिला तो कानपुर हेडक्वार्टर में जाएंगे, हेड ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आपको चेक करा जाएगा, सारा चेक करने के बाद डीवी एक तरीके से होती है, वहां पर सारी डीवी होगी, डॉक्यूमेंट्स जो डोजियर्स वहां भेजे गए डिपार्टमेंट से वो इनके पास भी होंगे, वो सारी चीजें चेक करेंगे और आपका अटेस्टेशन फॉर्म जमा करेंगे। फिर इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, मतलब वही ज्वाइनिंग लेटर जो होता है डिवीजन से जाता है, वही अटेस्टेशन फॉर्म होता है आपका, उसमें ही अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो भरवा के लेके आना होता है आपका, कि फोटो लगी होती है उसमें और डीएम वगैरह से, जो तहसीलदार वगैरह उनसे अटेस्ट करा के आना होता है, प्रिंसिपल हो आपके स्कूल का उनसे अटेस्ट करा के लाना होता है, वही ज्वाइनिंग लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपके डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उसी टाइम डीवी भी हो जाती है, या डीवी बाई चांस कभी कभी अलग करते हैं, स्टेशन फॉर्म केवल भरवा के ले जाएंगे। फिर इसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि इसके बाद भी होगा, फिर इसके बाद आपके पास दोबारा फिर लेटर आएगा, मान लीजिए कानपुर आ जाते हैं तो कानपुर फिर इसके बाद एक बार लेटर पहुंचा कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से या 20 तारीख से, फिर एक लेटर आएगा, फिर आप वो लेटर लेके पहुंचेंगे, फिर उस दिन से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। ट्रेनिंग होती है 15 दिनों की मेरे भाई, 14 या 15 दिनों की, 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम ही आप ज्वाइन हो जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद नहीं, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग का पहला दिन है उसी दिन से आप ज्वाइन होंगे, उस दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस आपका है। तो आप देख लीजिए मेरे भाई, रिजल्ट के आने के बाद भी आपको काफी टाइम लग जाता है, 4 से 5 महीने या 6 महीने भी लग जाते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद वो डिवीजन पर डिपेंड करता है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।